बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा झूठा FIR किया गया है, जबकि कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की मदद की, गौ मांस पकड़वाने में मदद। बजरंग दल के कार्यकर्ता पर से गलत मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर से गलत मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। गौ माता की रक्षा कौन आज करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुजफ्फरपुर के समाहरणालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया है, अनशन है, विरोध प्रदर्शन है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा झूठा FIR किया गया है, जबकि कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की मदद की, गौ मांस पकड़वाने में मदद किया, लेकिन पुलिस ने उल्टा ही उनके ऊपर केस किया। इसको लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं बजरंग दल के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार भारतिया जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और कहेंगे कि सर, ये अनशन का उद्देश्य क्या है और कब तक रहेगा आपका ये अनशन? सर, नया बिहार न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। सर, आपके संगठन के द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जा रहा है, क्या सर मुद्दा है और कब तक रहेगा ये अनशन? पिछली 15 फरवरी को स्थानीय लोगों ने और हिंदू जनता ने भगवानपुर चौक पर एक ऑटो में गौ मांस पकड़ा था और उस गौ मांस को पकड़कर वहां के थाना के हवाले किया था, परंतु और उसमें जो जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था उस व्यक्ति ने कबूल किया था कि यह गौ मांस है, जो प्रतिदिन इसको हम लेकर जाते हैं और इस जगह से उठाते हैं और गौ मांस की दुकान में इसको पहुंचाते हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन के द्वारा उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया और उस व्यक्ति से ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर गलत मुकदमा गलत एवं संगीन धाराओं में दर्ज कराया गया। साथ ही पुलिस के द्वारा भी एक मुकदमा दायर किया गया, वह भी गलत धाराओं में गलत मुकदमा दायर किया, जिसमें 307 और अन्य संगीन धाराएं लगाई गई। इससे स्पष्ट रूप से पुलिस की यह मानसिकता प्रदर्शित होती है कि पुलिस की यह सोच है कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का इतना दमन कर दिया जाए, उन्हें इतना भयभीत कर दिया जाए गलत मुकदमा दायर कर, कि वो इस प्रकार के संगठन के हिंदुत्व के कोई कार्य और या जो गलत काम हो रहा है उसका विरोध न करें। सर, केंद्र में और राज्य में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन के द्वारा इस तरह का मामला करना, FIR करना, आपका संगठन इसको राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं लेके जाता है इस मामले को? राष्ट्रीय स्तर पर यह बात चल रही है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्य भी हो रहा है, परंतु बिहार के हालात परिस्थितियाँ कुछ और अलग है और बिहार की परिस्थितियों में हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर विचार करना चाहिए कि हमारा अगला कदम इन परिस्थितियों तो क्या आप क्या सर मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है? भारतीय जनता पार्टी, आपका कहना ठीक है, भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता चलाती है, राजनीतिक दल है, उसकी अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं और दूसरी बात हम एक कह सकते हैं कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी। सर, बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या भी हो गई और वो भी कर्नाटक में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके विषय में सर क्या कहेंगे? बजरंग दल के कार्यकर्ता की जो हत्या हुई है उसके लिए हमें बहुत दुख है और हम बराबर पूरे, आपने देखा होगा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसका जोरदार विरोध और प्रतिरोध और प्रदर्शन कर रहा है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने, राष्ट्रीय सहमंत्री जी ने और हमारे जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि अब यह हद से ज़्यादा बात गुजर गई है, जब हिंदू प्रतिकार करने पर उतर आएंगे तो फिर लोगों को जगह बचानी, खड़े होना मुश्किल। स्थानीय मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन से आपकी क्या मांग है? जिला प्रशासन से हमारी यही मांग है कि कार्यकर्ताओं पर जो गलत मुकदमा दर्ज किया गया है उसे वापस ले
हिंदूवादी संगठनों का दमन करना बंद करें और साथ साथ जो यहाँ पर खुलेआम गाय काटी जाती हैं और गौ मांस की बिक्री होती है और गौ तस्करी होती है उस पर रोक लगाए। अगर उसमें जब तक रोक नहीं लगेगी, जब तक मुकदमे वापस नहीं लेंगे, हमारी सभी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तब तक मैं यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठा रहूँगा, चाहे इसमें कितना भी समय बीत जाए और चाहे इसमें मेरे प्राण ही क्यों नहीं चले जाए। जिलाध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कार्यकर्ताओं पर से FIR वापस नहीं होगा, गौ मांस की बिक्री बंद नहीं होगी, तब तक मैं अनशन पर बैठा रहूँगा, चाहे मेरे प्राण ही चले जाए। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये अनशन कितने समय तक चलता है और प्रशासन इसको कितना संज्ञान लेती है, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ता बहुत ही आक्रोशित हैं। फर्जी FIR हुआ। जय श्रीराम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। गौ माता करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। गौ हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। बजरंग दल के कार्यकर्ता पर से गलत मुकदमा वापस लो, वापस लो, वापस लो। गौ माता की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे।